रात भर सोने नहीं मिला है, इसकी वजह से अब ये उठ गई है। अब ये उठ गई है और इसकी माँ यहाँ सोई पड़ी हुई है, रात भर सोने नहीं मिला। अब ये उठ के खेल रही है यहाँ पे। बच्चों में यही होता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और यहाँ देखिए सनसेट पूरा आ रहा है मेरे फेस पे और बहुत ही अच्छा मतलब आ रहा है ना। मैं यहाँ खिड़की पे खड़ी होके आप लोगों का मॉर्निंग कर रही हूँ। तो चलती हूँ अभी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने, क्योंकि मेरी बहन भी उठ गई है, बहन की छोटी वाली बेटी भी उठ गई है। ये देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखो। चलो मैं चलती हूँ चाय बनाने और छोटा बेबी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ ये सब्जी, कैबेज की सब्जी है पत्ता गोभी की। और यहाँ पे इसमें डालूंगी नारियल, क्योंकि यहाँ पे इनका, इन लोगों का खाना पीना थोड़ा सा अलग ही है और मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे मैं मतलब इडली का घोल, डोसा का घोल मैं करके रखी थी, लेकिन इसका बनाऊंगी मैं अपम। और इसे मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट देने आई हूँ और इसका सीज़र हुआ है ना, तो इसे तो खाना है मतलब सुबह, ज़्यादा वैसा सामान नहीं खाना है, तो इसलिए इसको दे रही हूँ एप्पल, एप्पल और गरम दूध दे रही हूँ, ये वही खाएगी। और ये खा नहीं रही थी, लेकिन मैंने इसे ज़बरदस्ती, मैंने बोला कि नहीं तुझे खाना ही पड़ेगा, बहुत मस्ती मतलब ज़िद्द करती है, इसमें इसका कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद में प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है एक लेडीज़ का, नहीं तो फिर कुछ दिन के बाद पता चलता है कि कैसा गया हुआ है। तो यहाँ पे मैं ना अप्पे की तैयारी कर रही हूँ अपम की, तो उसमें प्याज टमाटर ये सब चॉप करके डाल दूँगी और नाश्ते में। और मैं ना यहाँ पे जब से आई हूँ ना, तब से खाना मतलब कि मुझसे ठीक से बन नहीं रहा था, क्योंकि मेरे घर का टेस्ट अलग है और यहाँ का टेस्ट अलग है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, और आज मतलब कल एक दिन थोड़ा सा खाना मेरे से अच्छा नहीं बना था, लेकिन नेक्स्ट डे से खाना बहुत ही अच्छा बन रहा था, सब तारीफ़ कर रहे थे मेरे खाने की। तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अच्छा करूं। और यहाँ पे ना मैं मतलब कैमरे का एंगल समझ ही नहीं पा रही हूँ, कहाँ रखूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा और मेरे वीडियो पे प्लीज़ बने रहिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आप, मैं अपने घर पे जाऊँगी तो फिर अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोगों को मिलेंगे। तो प्लीज़ अभी मैं जब तक अपनी बहन के यहाँ पर हूँ, तो मेरे व्लॉग को थोड़ा सा मतलब एडजस्ट करके प्यार दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे व्लॉग करने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट मेरे पे बनाए रखिए। तो यहाँ पे मैं ना दो ही ड्रेस लेके आई हूँ नाइट शूट, और ज़्यादा लेके नहीं आ पाई हूँ, तो इसलिए मैं ना यही दो ही नाइट शूट में आप लोगों को यहाँ मिल रही हूँ। हो सकेगा तो मैं जल्दी अपने घर जाऊँगी, तो वहाँ पर आप लोगों को अच्छे अच्छे वो व्लॉग दिखेंगे। तो यहाँ पर मेरी बहन के हस्बैंड बना रहे हैं सोफ़ा, उसका मतलब बेडशीट चेंज कर रहे हैं, और मैंने बेबी को लिया है। जब बेबी को हाथ में कोई लेगा तभी ना काम होगा। और मालिश वाली आई हैं, मसाज वाली, उसकी मम्मी को मालिश करने के लिए, मतलब कि बेबी की मम्मी को। और यहाँ पे बस मैंने बेबी को पकड़ा हुआ है, बिस्तर बन जाएगा तो बेबी को यहीं पे सुलाया जाएगा, तो इसलिए मैंने पकड़ा है बेबी को। जब तक कोई मतलब एक जन तो चाहिए पकड़ने के लिए, बस वही है, सब पूरा घर ना इस बच्चे के पीछे पड़ गया है कि ये बच्चे का केयर करने के लिए पूरा पूरी मतलब घर वाले ही पूरे इसके पीछे पड़ गए हैं इसकी केयर करने के चक्कर में। तो यहाँ पे इसको कर दूँगी, और साइड बाई साइड मतलब काम भी हो, मतलब हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या काम करे क्या नहीं करे, मतलब इतना काम ये ऐसा हो चुका है। और बच्चे मेरे उठ गए हैं ना, तो बस यही बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं कि मम्मी गोदी दो, मम्मी गोदी में दो। मैं इन लोगों को भगाती रहती हूँ कि नहीं बेटा अभी मत छुओ, अभी मत छुओ, अभी बहुत छोटी है इसकी, मतलब इसका सर और बहुत नाजुक है। तो इसकी बड़ी वाली बेटी देखो उठ के मोबाइल लेके बैठी हुई है। तो यहाँ पे पहले बेडशीट वगैरह क्लीन कर लेते हैं, नहीं तो फिर आ जाएंगी क्लीनिंग करने वाली मौसी। तो तब तक जब वो नहीं आ रही, तब तक मैं ये उनकी सास के साथ में मिलके मैं अपना काम कर ले रही हूँ। और यहाँ पे फिर जो बेबी हुआ है आज उसका पहला बाथ है, तो उसको नहलाया जा रहा है। तब मैंने इसकी प्रॉपर वीडियो अपलोड की थी, बट यूट्यूब ने मेरी वीडियो ही डिलीट कर दी, तो
तो मैं बहुत डर गई थी चैनल को लेके, तो इसलिए मैं फिर से ये वाला मतलब वीडियो पर थोड़ा सा ही अपलोड कर रही हूँ। मैंने एकदम प्रॉपर वीडियो ली थी और उसे नला धुला के मालिश करके मालिश वाली गई, तब से आ गई यहाँ पे क्लीनिंग वाली आंटी। तो आंटी यहाँ पे क्लीन कर रही है घर, मैंने बेडशीट वगैरह क्लीन कर दी है। तो आंटी आ गई है अपना मतलब काम करने के लिए। अब मेरा तो किचन का काम सब कुछ डन हो गया, बस थोड़े से बर्तन है वही धोना है, और ये कर रही हैं क्लीनिंग का काम। क्लीनिंग करके वे चली जाएंगी तो मैं बर्तन को धोऊंगी, नहीं तो फिर पूरा घर गंदा होगा मैं यहाँ वहाँ करूँगी। तो यहाँ बेबी नहा धो के आ गया है और इसे आंटी मतलब बहुत अच्छे तरीके से इनका केयर की थी। नहा धो के अब इसको कपड़ा पहनाया जाएगा, इसे तैयार किया जाएगा बेबी को। अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में, मौसी झाड़ू पोछा करके गई हैं तो मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। बर्तन था इतना थोड़ा सा तो मैं सोची धो लूँ। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना रखिएगा ध्यान, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे ब्लॉग को देखते रहिएगा। और मेरे चैनल पर विज़िट नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके विज़िट कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस देना कि जिससे कि मेरे न्यू वीडियो आप लोगों को मिल जाए नोटिफिकेशन। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा।